जय देव भूमि जय उत्तराखंड। दोस्तों सुबह का प्यार भरा प्रणाम। सुबह के दोस्तों 7 बज चुके हैं और दोस्तों आज का जो व्लॉग है राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर पिथौरागढ़ से मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं और सुंदर और शानदार यह हाईवे आज आप देखिए सिर्फ मात्र 70 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में आप इस मार्ग के द्वारा कर सकते हैं। आप ब्लॉग को पूरा देखें। दोस्तों प्रकृति के गोद में इस शानदार मार्ग का निर्माण कार्य किया गया है और शानदार यह हाईवे बना हुआ है देखिए। और आज मौसम भी काफ़ी साफ है और पिथौरागढ़ के मनोरम दृश्य आप देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों। 12 मासी प्रोजेक्ट के तहत इस सड़क निर्माण का कार्य यहाँ पर किया गया था और ये अब पूर्णतया बन चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं सरकार के इस 12 मासी प्रोजेक्ट पर फराटेदार वाहन जबरदस्त तरीके से दौड़ रहे हैं और अभी मैं विद्यार देवी के क्षेत्र में पहुंचने वाला हूं। देख सकते हैं दोस्तों अभी मैं विद्यार देवी की मार्केट पे पहुंच चुका हूं और शानदार इस मार्ग के बनने के कारण यहां पर राहगीरों के लिए काफ़ी आसानी हो चुकी है सफ़र करना, जहाँ पर सफ़र करना काफ़ी कठिन माना जाता है पहाड़ों पर। दोस्तों बड़ी और छोटी गाड़ियों के द्वारा सफ़र किया जाता है और आप देख पा रहे होंगे विद्यार देवी के ये शानदार प्राकृतिक जंगल, ये देख सकते हैं दोस्तों। मैं गुरना से नीचे पहुंच चुका हूं और यहां पर आगे माता गुरना का एक भव्य मंदिर पड़ता है, आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी हम थोड़ा मंदिर से पीछे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों फाइनली मैं गुरना माता मंदिर में पहुंच चुका हूं और यहां पर सारे रोडवेज की जितनी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं प्राइवेट, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी यहां पर लोग रुकते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद यात्रा करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये गुरना माता का जो ये मंदिर है पाषाणकालीन मंदिर है ये और काफ़ी पुराना है और यहाँ पर जितने भी राहगीर पहाड़ से मैदान की ओर यात्रा करते हैं और मैदान से पहाड़ की ओर आते हैं यहाँ पर रुकते हैं। और ये देख सकते हैं विशाल का इस चट्टान को काट के रूट को चौड़ा किया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मैं गुरना माता का आशीर्वाद लेने के बाद द्वाघाट की ओर चल पड़ा हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी शानदार सड़क यहाँ पर आपको देख रही होगी और यहाँ से पिथौरागढ़ का टूरिज्म जो है आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने की उम्मीदें हैं क्योंकि रोड काफ़ी अच्छी हो चुकी है और बरसात में ये रूट काफ़ी बंद रहता था, पहले सिंगल रोड हुआ करती थी। अब जो है 12 मासी प्रोजेक्ट के तहत इस सड़क को काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है और यहाँ पर ये सड़क अब बंद नहीं होती है और ये साल के 12 महीने आप यहाँ पिथौरागढ़ के टूरिस्ट और अन्य क्षेत्रों के आप दर्शन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ घाट वाले एरिया पर, ये गंगोली घाट वाली बेल्ट है सामने, ये देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा मार्ग होने के कारण यहाँ पर हाईवे के किनारे आपको खाने पीने के जो छोटे होटल हैं वो मिल जाएंगे, ढाबे। दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी सड़क आपको दिखाई दे रही होगी और ये नीचे अब आपको मैं दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए रामगंगा नदी आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए। और पहाड़ों में आजकल धुंध होने के कारण थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। हम घाट के काफ़ी करीब पहुंचने वाले हैं और ये शानदार मार्ग आप देखिए क्योंकि यहाँ पर अब यात्रा करना काफ़ी सुगम हो चुका है क्योंकि रोड काफ़ी चौड़ी और शानदार बन चुकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों ये मीना बाज़ार है और अब हम घाट पहुंचने वाले हैं और नीचे रामगंगा नदी बहती है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए। और जो ये मार्ग आपको दिखाई दे रहा है ये हल्द्वानी वाला मार्ग है, अल्मोड़ा हल्द्वानी, और ये देखिए। और ये वाला जो मार्ग आपको दिखाई दे रहा है ये लोहाघाट टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ओवर स्पीड का नज़ारा, ये देखिए ये गाड़ी, ये कार देखिए फाइनली ऊपर गई हुई है और ये देख सकते हैं काफ़ी सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि रोड काफ़ी अच्छी है।
देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली मैं घाटपुर पे पहुंच चुका हूं और राइट हैंड को हल्द्वानी को जाती है रोड और लेफ्ट हैंड को ये टनकपुर को जा रही है और लेफ्ट हैंड को हम प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड को निकल चुके हैं। जो नेक्स्ट स्टेशन आता है बारापुर का आता है, राजमार्ग की देख रेख के लिए यहाँ पर जेसीबी मशीन और लेबर एट ए टाइम यहाँ पर तैनात रहते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी सड़क आपको दिखाई दे रही होगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्रा करना काफ़ी सुगम और काफ़ी सेफ हो चुका है, क्योंकि पहाड़ों में यात्रा जो है काफ़ी कठिन मानी जाती है। पहले सिंगल रोड हुआ करती थी तो काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, लेकिन अब चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर आप अपने गति पे नियंत्रण रखने के बाद आराम से यहाँ का सफ़र कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं विशालकाय चट्टानों को काट के यहाँ पर रोड का निर्माण कार्य किया गया है। दोस्तों आप सुगम यात्रा के साथ साथ यहाँ पहाड़ का नैसर्गिक आनंद भी ले सकते हैं। ये देखिए शानदार आपको पहाड़ और प्राकृतिक नज़ारे दिखाई दे रहे होंगे। और दोस्तों अब हम बाराकोट पहुँचने वाले हैं और बाराकोट में रोड के किनारे छोटे मोटे आपको ढाबे मिल जाएंगे खाने पीने के। ये देख सकते हैं ये सड़क निर्माण में आपको कटिंग के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मशीनें भी खड़ी लगी रहती हैं 24 घंटा। ये देख सकते हैं दोस्तों अब मैं फाइनली बापरू पहुंच चुका हूं और अब काफ़ी लोहागाड़ नज़दीक आ चुका है। ये देख सकते हैं पहाड़ों का शानदार मौसम और यहां की जो सुंदर प्राकृतिक दृश्य है मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूं। और ये देखिए रोड, जितनी शानदार रोड बनी है उससे अच्छे प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिलने होंगे। इस मार्ग में आप यात्रा करेंगे तो आपको ज़रूर आनंद की प्राप्ति होगी। ये देख सकते हैं दोस्तों ज़बरदस्त रोड के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आप आनंद ले सकते हैं। दोस्तों पहाड़ में इन घने जंगलों के बीच से यात्रा करना अपने आप में एक रोमांचित अनुभव पैदा करता है। काफ़ी पर्यटकों को ये दृश्य लुभाता है और वो पहाड़ की यात्रा करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों पहाड़ों में रोडों का जाल बिछ चुका है, जगह जगह के लिए रोड कट चुकी हैं। आप देख सकते हैं शानदार आपको मैं रोड दिखाने जा रहा हूं और इस रोड के बनने से यहां पर राहगीरों के लिए काफ़ी आसानी हो चुकी है और समय की भी बचत हो चुकी है और लोगों को बेवजह जो धक्के खाने पड़ते थे उन धक्कों से भी निजात मिल चुकी है। आप देख पा रहे होंगे और आगे ये देखिए शानदार दृश्य, ये मानेसर वाली बेल्ट है, ये मानेसर का इलाका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए शानदार दृश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे प्राकृतिक। और इसी दृश्य को देखने के लिए लोग पहाड़ की यात्रा करते हैं। मरुला खान दोस्तों अब मरुला खान पहुंच चुके हैं और यहां से अब 5 किलोमीटर दूर रह चुका है लोहाघाट और ये टाउन है वहीं तक, अब ये पूरा टाउन मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं लोहाघाट का इलाका शुरू हो चुका है और ये प्राकृतिक सौंदर्य आप देख रहे होंगे। और लोहाघाट की जो ये मार्केट है घने देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है। आगे मैं आपको मार्केट का भी दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए सामने पूरा घना देवदार आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। पिथौरागढ़ से लोहाघाट की तरफ आपको मार्ग यहाँ पर ये देख सकते हैं आप पेट्रोल पम्प बने हुए हैं, आपको 2 पेट्रोल पम्प मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। और लोहाघाट से 1 किलोमीटर पहले का मैं आपको ये दृश्य दिखाने जा रहा हूँ।
अभी हम 1 किलोमीटर पीछे हैं लोहाघाट से, और मैं अपने पूरे ब्लॉग में इस रोड का जिक्र कर रहा था। आप ये देखिए शानदार रोड यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही होगी। ये 12 मासी प्रोजेक्ट के तहत बनी हुई है टनकपुर तक पिथौरागढ़ से, जो 175 किलोमीटर का लंबा राजमार्ग है। और दोस्तों ये देख सकते हैं मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, और ये रंजीत होटल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, फेमस होटल है लोहाघाट का, ये देखिए। और दोस्तों अब हम मार्केट की ओर आगे को निकल चुके हैं, और यहाँ से अलग अलग मार्गों के लिए रूट कटा हुआ है। आगे पंचेश्वर को भी रोड जाती है, और काफ़ी लंबा चौड़ा इलाका है लोहाघाट का। दोस्तों आप देख सकते हैं हम फाइनली लोहाघाट पहुंच चुके हैं, और लोहाघाट का शानदार दृश्य आप देखिए, घने देवदार के जंगलों के बीच में ये मार्केट बना हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों ये टैक्सी स्टैंड बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से पंचेश्वर और अलग अलग इलाकों के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, और शहर काफ़ी व्यस्ततम होने के कारण यहाँ पर आउटसाइड ही यहाँ पर जो है टैक्सी स्टैंड बनाए गए हैं। फाइनली दोस्तों हम लोहाघाट नगर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं मार्केट में, और आप देख पा रहे होंगे शानदार यहाँ पर मार्केट आपको दिख रही होगी। लोहाघाट शहर जो है अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर काफ़ी ठंडा भी होता है। देवदार के घने वृक्षों के बीच में यह मार्केट बनी हुई है, और इस शानदार बाज़ार में आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए रोड के किनारे काफ़ी सुंदर सुंदर मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये देख सकते हैं आप, और पूरा रूट जो है पूरा खुला हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, जाम वगैरह की स्थिति कम पैदा होती है। ये देखिए मुख्य बाज़ार में हम प्रवेश कर चुके हैं, और आगे बाज़ार का मैं दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है, लंबा चौड़ा इलाका होने के कारण लोग खरीदारी के लिए इसी मार्केट पे आते हैं। ये देख सकते हैं आप शानदार बाज़ार, और पहाड़ों का शानदार मौसम आज लोहाघाट का ये देख पा रहे होंगे आप। ये देख सकते हैं मुख्य बाज़ार पे मैं पहुंच चुका हूं, काफ़ी लंबी चौड़ी बाज़ार है ये, और आपको यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं लोहाघाट की आंतरिक बाज़ार को दिखाने जा रहा हूँ। ये लोहाघाट की आंतरिक बाज़ार है जो मुख्य राजमार्ग से अंदर है। दोस्तों काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में ये शहर बसा हुआ है, और मैं इसका आंतरिक आपको बाज़ार दिखाने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, और इस शहर की अभी बढ़ने की काफ़ी संभावनाएं हैं, आने वाले समय में काफ़ी विस्तार होगा। ये देखिए दोस्तों लोहाघाट शहर से बाहर हम निकल चुके हैं, और लोहाघाट के टॉप से मैं आपको शहर का पूरा परिदृश्य दिखाने जा रहा हूँ, और बहुत बड़ा शहर बनने को है। तो आने वाले समय में काफ़ी ये शहर डेवलप होगा, और नीचे पूरा लोहाघाट का नगर बसा हुआ है। दोस्तों ये जो शहर है व्यावसायिक केंद्रों का हब बन चुका है, और इसकी जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय देशों से जुड़ी हुई है, नेपाल से। दोस्तों आप देख सकते हैं लोहाघाट का शानदार नज़ारा, देवदार के हरे वृक्षों के बीच में पूरा शहर बसा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी बड़ा शहर बनने को है ये भी, वहाँ जो देवदार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली दोस्तों मैं पिथौरागढ़ पहुंच चुका हूं लोहाघाट से, और आज मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको 12 मासी प्रोजेक्ट पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश की है, और ये पिथौरागढ़ का शहर आपको दिख रहा होगा। मैं 2 घंटा आना और 2 घंटा फिर वापसी का मैंने जोड़ के 150 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में मैंने पूर्ण कर ली है, और पिथौरागढ़ शहर काफ़ी शानदार है ये देख सकते हैं आप, लोहाघाट की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है ये।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। बारामासी प्रोजेक्ट का मैंने आपको ये ब्लॉग दिखाने की कोशिश की है। और दोस्तों यहाँ का टूरिस्ट अब धीरे धीरे बढ़ने लग चुका है और सड़क मार्ग काफ़ी सुगम हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए आप MK पहाड़ी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।